कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जनरल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें आप किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे होते, ज्यादातर ओरल कम्युनिकेशन होती है ना। इसके बाद टेक्निकल कम्युनिकेशन में आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, एक्स्ट्रा पर्सन सारी डिटेल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आ गई जनरल कम्युनिकेशन। जनरल कम्युनिकेशन में ज्यादातर ओरल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। आप जनरल में आप किसी स्पेसिफिक ऑडियंस से बात नहीं कर रहे, तो आप जनरल बात कर रहे उसमें ना, ठीक है। तो ज्यादातर ये जनरल आम मैसेज होता है। टेक्निकल कम्युनिकेशन जो होती है ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसमें सेट पैटर्न फॉलो करते हैं। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन है तो इस केस में हमारी ऑडियंस क्या होगी, स्पेसिफिक होगी, ठीक है। आप इसमें टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इसमें ग्राफिक्स वगैरह डिटेल यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन वो होती है जो एक ह्यूमन और दूसरे नॉन ह्यूमन के बीच में है। ऐसे देखें ये मुख्तलिक कार्टून है ना, एक बंदा कार्टून से बातें कर रहा है, एक खातून और कुत्ते से बातें कर रही है। तो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में वो कम्युनिकेशन जो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एंटिटीज के बीच में है, जैसे आप अपने पेट से बातें करें, आप किसी भी दूसरी चीज से बात कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन देखिए ये बंदा शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को मोटिवेट कर रहा है ना। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो होती है जो आप खुद को आप अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। ये खातून देख के खुद सोच के खुद को अपने आप ड्रामा एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है, ये बंदा अपनी ख्वाबों में मगन है ना। आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो है खुद से बातें कर रहे हैं, ठीक है। विद इन इट सेल्फ मोटिवेशन हो सकती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन हो सकती है, ठीक है। आप गर्मी लग रही हो तो आप कह रहे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हालांकि दूसरा बंदा कोई भी सुन नहीं रहा होता। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि दो बंदों के बीच में ना, एक आप खड़े हैं, एक दूसरा आपका दोस्त खड़ा है, आप एक उसको मैसेज दे, आप उसको बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, आपको रिप्लाई दे रहे हैं। जैसे मैं जैसे कोई भी एक बंदा दूसरे से बात करता है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो बंदे होते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप ना कोई जैसे एलिमेंट्स मास डिफरेंट एलिमेंट यूज कर रहे हो, रेडियो, टीवी, मीडिया जनरल या न्यूज़पेपर, कोई इस तरह की चीज यूज कर रहे हो एक से दूसरे में कम्युनिकेशन। जैसे आप टीवी देखते हैं ये मास कम्युनिकेशन में है, जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे होते हैं ये मास कम्युनिकेशन में है, आप अपने पढ़ रहे हैं जनरल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मास कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। मास कम्युनिकेशन के अलावा ग्रुप कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन में होती है जब एक से ज्यादा बंदे बैठ के आपस में बात करते हैं, सॉरी दो से ज्यादा बंदे बैठ के आपस में बातें करें, ठीक है। दो बंदे होंगे तो वो क्या होगी, ठीक है ना, जब दो बंदे थे तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगी ना, जब दो से ज्यादा बंदे होंगे तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन है।